टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के एक और पड़ाव में पहुंच गए और आज फिर से हम एक अनोखा कैंडलस्टिक पैटर्न आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को इसी तरह से धीरे 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 सीखते गए तो एक दिन ऐसा होगा कि चार्ट देखेंगे और आप बता देंगे कि मार्केट किधर जाने वाला है। तो आज की जो वीडियो है बड़े ध्यान से देखना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। फ्रेंड्स, जो आज हम कैंडलस्टिक पैटर्न लेकर आए हैं उसका नाम है मॉर्निंग स्टार पैटर्न, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अब मॉर्निंग स्टार का क्या मतलब होता है कि सुबह सुबह जब हम किसी तारे को देखते हैं उसे मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। वो आखिरी तारा होता है जो हमें दिखाई देता है, उसके बाद रात ढल जाती है और सुबह आती है। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका काम भी ऐसा ही है कि मार्केट नीचे की ओर गिर रहा है, मतलब कि रात हो रही है, और जैसे ही ये पैटर्न दिखा तो सुबह होना चालू हो गई, मतलब मार्केट फिर से ऊपर उठना चालू हुआ। तो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का आप मतलब तो समझ गए, अब किस तरह से उसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या उसकी प्रॉपर्टी होगी और किस तरह से उसकी साइकोलॉजी होगी और कैसे हम ट्रेड करेंगे, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, जब भी डाउन ट्रेंड चल रहा हो और रेड कैंडल एक बड़ी हो लास्ट में और उसके बाद में, इसको कैंडल नंबर वन मान लेते हैं, कैंडल नंबर टू एक डोजी बनी हो। डोजी कैसी बनती है, जिसके दोनों साइड विक बड़ी हो और बॉडी छोटी हो, उसको डोजी बोलते हैं। डोजी कैंडल बनी हो, ग्रीन बनी हो तो अच्छी है, रेड भी बनी है तो भी ये मॉर्निंग स्टार में ही गिना जाएगा, लेकिन ग्रीन बना तो अच्छा माना जाता है। फिर तीसरी कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, कैसे, उसका ओपन गैप अप में ओपन होना चाहिए और अगर इसके हाफ से ऊपर है तो ये बहुत ही अच्छा मॉर्निंग स्टार माना जाता है। तो ये तीनों कैंडल को मिलाकर कहते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यहां से मार्केट रिवर्स हो जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है, इसीलिए इसको मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। फिर से एक बार बता देते हैं, डाउन ट्रेंड में जब एक रेड कैंडल के बाद में एक डोजी बने, वो चाहे ग्रीन या रेड हो सकती है, उसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन उसके बाद की जो ग्रीन कैंडल है वो थोड़ी सी गैप अप हो और अगर रेड कैंडल के हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन ऊपर होती है तो बहुत अच्छा मॉर्निंग स्टार माना जाता है और वहाँ से मार्केट पक्का रिवर्स होता है, मतलब ये जो रात चली आ रही थी यहाँ से सुबह शुरू हो गई। तो इसकी साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी देखिए दोस्तों, यहाँ से सेलर्स का जोर ज़्यादा था तो सेलर्स ने मार्केट को यहाँ तक लाया। इनडिसिशन कैंडल बनी, वहाँ पे शक हुआ कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन तीसरी कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया कि अब मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे बायर्स का जोर बढ़ गया है और ओपनिंग ही वो काफ़ी ऊपर उन्होंने कर दिया है और उसके बाद क्लोज तो और ऊपर किया है, इसका मतलब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा और ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है बाय करने का। अब ऐसी कंडीशन में आप बाय तो करेंगे यहाँ पर, तो बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस आपको लगाना है ये डोजी के नीचे SL और आपका टारगेट रहेगा 1:2 या फिर आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से, आपकी टाइमिंग के हिसाब से आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन इतना मान के चलिए कि अगर आपको मॉर्निंग स्टार मिला है तो वहां से मार्केट ऊपर की ओर रिवर्स हो जाएगा। अब ये मॉर्निंग स्टार को हमने बोर्ड पे तो समझ लिया, अब हम ऑन स्क्रीन भी देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ बातें आपसे कि अगर आपने जीरोधा अपस्टॉक एंजल ब्रोकरिंग में आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप घर बैठे ऑनलाइन अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं और हमारी लिंक से अगर आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया तो हम आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और अगर आप हमारे साथ में सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारा लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं संडे टू संडे 1 PM, चैनल के सब्सक्रिप्शन के बाजू में ज्वाइन बटन है, वहां जाके चैनल की मेंबरशिप आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये मॉर्निंग स्टार ऑन स्क्रीन कैसे वर्क करती है, तो चलिए देखते हैं। ये अडानी पोर्ट का हमने चार्ट ओपन कर लिया है और 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है।
अब देखते हैं हमें डाउन ट्रेंड में मॉर्निंग स्टार कहाँ मिलता है। ये तीन जो हमने कैंडल देखी, ये देखिए डाउन ट्रेंड आया, एक रेड बनी, दूसरी एक डोजी बनी ग्रीन कलर की, ये डोजी रेड भी हो सकती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, तो हमको कंप्लीट ये मॉर्निंग स्टार का कॉम्बिनेशन मिल गया। नेक्स्ट कैंडल में हम बाई करते हैं और डोजी के नीचे में हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं, तो ये देखिए कितना बढ़िया हमको प्रॉफिट मिल जाता है। तो ये जो बीच की जो डोजी होती है ना, वो ग्रीन रेड कोई भी होगी चलेगी, बाकी जो है कि पहले रेड कैंडल बनना चाहिए बाद में ग्रीन, वो वैसा का वैसा ही होना चाहिए, बीच वाली कोई भी कलर की हो सकती है। तो ये देखिए यहाँ से डाउन आया, ये देखिए ये रेड कैंडल, उसके बाद ये देखिए रेड डोजी फिर ग्रीन कैंडल। नेक्स्ट कैंडल पर अगर हम बाय करते हैं, स्टॉप लॉस डोजी के नीचे लगाते हैं, तो छोटा मोटा प्रॉफिट तो हम उठा ही लेंगे। तो दोस्तों ये तीन कैंडल का कॉम्बिनेशन हमको डाउन ट्रेंड में मिलना चाहिए और फिर आपको प्रॉफिट बुक करना है। दोस्तों हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, कमेंट्स भी जरूर करना। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको नोटिफिकेशन पे मिलती रहे। अगली वीडियो लेकर फिर हाजिर हो जाएगी, तब तक के लिए नमस्कार।